बड़ी खबर बता दें, बरेली में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है मौलाना तौकीर रजा ने, जिनका आज बरेली में एक बड़ी रैली जिनकी होनी थी। पीएससी की चार कंपनियां और साथ ही आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों को भी तैनात किया गया है, साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है और बरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो लगातार हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी हाई अलर्ट है। जिस तरीके से जी न्यूज़ संवाददाता विशाल रघुवंशी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ से, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी कि बरेली के अंदर पुलिस इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। इस्लामिया मैदान के अंदर मौलाना तौकीर रजा की रैली होनी है और मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। तो आपको बता दें, बरेली में सुरक्षा बल के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पीएससी की चार कंपनियां, साथ ही आरएएफ की एक कंपनी को तैनात किया गया है, साथ ही 6 एएसपी और 12 डीएसपी और 1400 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। इस्लामिया मैदान के अंदर पुलिस की तैनाती की गई है और मौलाना तौकीर रजा की रैली से पहले ये तमाम पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। बरेली में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दी गई है। तो पुलिस के तैनाती की तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं कि पीएससी की चार कंपनियां तैनात की गई हैं, साथ ही आरएएफ की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। यानी किसी तरीके से हिंसा भड़काने की अगर कोई कोशिश होती है तो उसे तुरंत काबू किया जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम जो हैं वो इस्लामिया मैदान में किए गए हैं। इस्लामिया मैदान वो जगह है जहाँ पर मौलाना तौकीर रजा की रैली होनी है।